है व्हाट्सअप गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजो फोटो डिन। तो गैस आज मैं आपको एकदम कमाल की फोटो डिन्स दिखाऊंगा, डार्क शैडो इफेक्ट फोटो डिन्स दिखाऊंगा। ये फोटो डिन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखते रहना, बैल कुछ मैं तेरा स्टेप बाय स्टेप अच्छा समझाऊंगा। एंड गैस एडिट में जो भी स्टॉक एंड पीएनजी यूज करने वाला हूँ हमेशा तरह डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, जाकर सिंपल से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं, वीडियो देखने बाद सिंपल से डाउनलोड कर देना है। एंड गाइस चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही नो का सेट का फोटो का आप मिस ना करें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या है, बैकग्राउंड को ओपन करना है पिक्सार्ट पर। ये बैकग्राउंड आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर देना है। और यहाँ पर आपको पिक्सार्ट पर ओपन करने बताओ, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी जो पिक को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं पिक को ऐड कर देता हूँ, ऐड फोटो जा करके, यहाँ पर ऐड फोटो जा करके अपनी पिक को ऐड कर देना है। तो अपनी पिक को पहले आपको बैकग्राउंड इरेज कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक किस स्टेप से फोटो क्लिक करना है बता देता हूँ। इस स्टेप से आपको उछलते हुए फोटो को क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको फोटो को क्लिक करना है, बताओ क्या करना है, यहाँ पर आपको इस स्टेप से आपको बैकग्राउंड को इरेज कर देना है। तो यहाँ पर आपको मैं बैकग्राउंड को पहले से ही इरेज कर दिया हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए। तो इसी स्टेप से आपको बैकग्राउंड इरेज कर देना है। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं है तो पहले से वीडियो में रखा है, जाकर देख से तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, कैसे बैकग्राउंड को इरेज करते हैं प्रोफेशनल तरीके से। तो इसी टाइप से बैकग्राउंड को इरेज करना, बताओ क्या करना है, इस स्टेप्स आपको बड़ा करके यहाँ पर आपको बीच में लगा देना है, तो यहाँ पर आपको एडजस्ट करना, बताओ क्या करना है, यहाँ पर आपको इफेक्ट्स पर चलना है। तो यहाँ पर इफेक्ट्स पर चलना है, और इफेक्ट्स पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कलर्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर कलर्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको जो अमाउंट को यहाँ पर आपको क्या करना है, जीरो कर देना है। तो यहाँ पर जीरो कर देना है, जीरो करने के बाद हमारी जो इमेज डार्क हो चुकी है, डार्क शैडो इफेक्ट यहाँ पर हो चुकी है। अब क्या करना है, आपको डन कर देना है। तो यहाँ पर डन करने के बाद आपको क्या करना है, हमारी जो इमेज डार्क हो चुकी है, इस स्टेप से आपको बीच में एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको आर्ट फोटो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे सामने गैलरी ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक लाइट का पीएनजी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक लाइट का पीएनजी ऐड करेंगे। तो ये लाइट का पीएनजी भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दो, जाकर इसमें से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो लाइट का पीएनजी को ब्लेंड मोड को आपको क्या करना है, स्क्रीन कर देना है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन कर देना है, स्क्रीन करने बताओ क्या करना है, इसी टाइप से आपको यहाँ पर जो सूरज है आगे, इस टाइप से आपको लगा देना है, इस टाइप से आपको बड़ा करके यहाँ पर लगा देना है। बड़ा करके लगाने बताओ क्या करना है, आपको मॉडल को क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो लाइट पीएनजी पीछे चला जाएगा, उसे तक वो क्या करना है, यहाँ पर आपको डन कर देना है। तो बहुत ही बड़ा एडिटिंग हो चुकी है। अब क्या करना है, आपको ग्रास का पीएनजी लाएंगे, तो आठ फोटो चलना है। तो आठ फोटो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये ग्रास का पीएनजी को सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको ग्रास का पीएनजी को सिलेक्ट करना, देखो इस टाइप से आपको बड़ा कर देना है। बड़ा करके आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से इफेक्ट्स पर जा करके यहाँ पर आपको फिर से कलर्स पर जाना है। और यहाँ पर जो ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अमाउंट को आपको जीरो कर देना है। बहुत ही बड़े आपको डन कर देना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस टाइप से आपको नीचे ला करके यहाँ पर आपको डन कर देना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पर आर्ट फोटो चलना है। और यहाँ पर आर्ट फोटो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये पेंज को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आपको ये पेंज को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पहले क्रॉप कर देना है। यहाँ पर पहले थोड़ा क्रॉप कर देंगे और यहाँ पर डन करने के बाद आपको क्या करना है, इस स्टेप से आपको लेफ्ट की तरफ एडजस्ट करना है। यहाँ पर आपको लेफ्ट की तरफ एडजस्ट करना है। तो बहुत ही बढ़िया, आपको क्या करना है, यहाँ पर डन कर देना है। तो यहाँ पर डन करने के बाद आप देख सकते हो बहुत ही रेडी हो चुकी है। अब क्या करना है, हमें कलर कसन बाकी है। अब कलर कसन कहाँ पर करेंगे, हमें लाइट रूम पर करना है। तो यहाँ पर हमें ड्रॉ टूल पर पहले हमें इमेज को सेव कर देना है। तो यहाँ पर ड्रॉ टूल पर चल रहे हैं और यहाँ पर वो थ्री डॉट पर क्लिक करके इमेज को सेव कर देना है। तो यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके इमेज को कर लेना है सेव। और सेव करने में आपको लाइट रूम पर इनपुट कर देना है कलर कसन के लिए। तो गाइस मैं पहले से ही लाइट रूम पर इनपुट कर दिया हूँ, आपको भी इनपुट करना है। इनपुट कर में देखो क्या करना है, यहाँ पर आपको लाइट रूम पर ओपन कर देना है इमेज को, एडिट पिक को। तो यहाँ पर पहले आपको इस टाइप से अगर बनाना चाहती हो, तो मेरी तरह आपको एडिटिंग बनाना चाहती हो, तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं कुछ मेरे स्टेप बाय स्टेप अच्छा समझाऊंगा। और यहाँ पर आपको पहले आपको क्या करना है, लाइट रूम पर ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सूरज आइकन टूल पर क्लिक करना है, ब्राइटनेस टूल पर। यहाँ पर ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करने के बाद आपको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा प्लस करना है, पहले आपको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा प्लस करना है। और यहाँ पर आपको हाईलाइट्स को माइनस करना है, आपको माइनस करना है 8 और कॉन्ट्रास्ट को 6 करना है, प्लस 6। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो शैडो को यहाँ पर आपको थोड़ा प्लस करना है, शैडो को आपको 6 करना है। 6 करने बताओ वो क्या करना है, व्हाइट्स को माइनस करना है, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं प्लस करेंगे, यहाँ पर आपको 18 रखना है। 18 रखने बताओ वो क्या करना है, ब्लैक्स को माइनस करना है। तो ब्लैक्स को हमें माइनस करना है, यहाँ पर आपको माइनस करना है 40 के आसपास, तो मैं 39 रखता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी टूल पर क्लिक करके यहाँ पर मिक्स पर क्लिक करना है। और जो पहला कलर की यहाँ पर आपको रेड कलर की यहाँ पर आपको क्या करना है, सेचुरेशन को प्लस करना है। तो सेचुरेशन को यहाँ पर आपको 30 के आसपास, तो मैं 27 रखता हूँ।
उसके बाद आपको सेकंड कलर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो हुई को माइनस करना है, हुई को माइनस करना बता जो यहाँ पर जो बैकग्राउंड की कलर चेंज हो चुकी है हुई को माइनस करना है, तो हुई को माइनस करके आपको रखना है 47, और यहाँ पर सेचुर में थोड़ा प्लस करना है 13 के आसपास रखना बता वो क्या करना है, लुमिनस को यहाँ पर आपको थोड़ा माइनस करना है 4, उसके देखो क्या करना है यहाँ पर डन, तो डन कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर डन नहीं, यहाँ पर मिक्स पर फिर से जा करके यहाँ जो थर्ड कलर की यहाँ पर आपको क्या करना है लुमिनस को थोड़ा माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पर प्लस करेंगे 44, प्लस करना बताओ क्या करना है यहाँ पर आपको डन करना है, तो यहाँ पर डन करना बताओ पहले आपको करना है यहाँ पर टेम्परेचर को प्लस करेंगे, तो टेम्परेचर को प्लस करके आपको 6 रखना है, तो 6 रखना मतलब वो तो टीन को माइनस करना है, टीन को आपको रखना है 6 माइनस 6 रखना है, और वाइब्रेंस को प्लस करना है, वाइब्रेंस को आपको 16 रखना है, 16 रखना बताओ वो क्या करना है इसी टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्लैरिटी देना है इमेज को ऊपर, तो क्लैरिटी ज़्यादा नहीं देना है यहाँ पर 20 के आसपास रखना है, 20 मैं 20 रखता हूँ, और यहाँ पर वो भाई यहाँ पर जो भिगनेट को माइनस करना है, भिगनेट को आपको थोड़ा माइनस करना है, आपको रखना है 16 के आसपास, तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही बड़ी एडिटिंग हो चुकी है बिफोर एंड आफ्टर, बहुत ही बड़ी एडिटिंग हो चुकी है, आई होप आपको बड़े अच्छी लगे, बड़े अच्छी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब किया ऐसा ही नुनू का सेट का फोटो का आप मिस ना रहे, सब्सक्राइब करना बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, तो चलेगा मिलते हैं अगले वीडियो में।